हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फटाफट। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का जो क्लास है ना, वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट की क्लास है, जो कि बैंकिंग में पूरा का पूरा क्वेश्चन वहाँ से पूछता है, 5 मार्क्स की पूछती है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं वीडियो एक बना चुका हूँ, अगर आप उस वीडियो को वॉच कर लेते हैं तो आपका कोई भी सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन जो है ना, वो छूटेगा नहीं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ और जितना इसमें ट्रिक होगा ना, मैं आपको वो बताऊँगा। ठीक है जी, चलिए बने रहिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे 6 सेंटेंसेज जो है ना दिया हुआ है, इसमें से कौन से सेंटेंस हमारा स्टार्टर होगा ये मेरे को मालूम करना है। ठीक है ना जी, तो चलिए यहाँ पे पहला सेंटेंस में कह रहा है ही एक्सप्लेन्ड। तो ही का हमारे सेंटेंस में मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे ही का यूज है। तो ही का मतलब क्या होता है? प्रोनाउन। ही का मतलब क्या होता है? ही का मतलब प्रोनाउन होता है ना, यानी कि पहले नाउन आएगा कि पहले प्रोनाउन आएगा? तो पहले नाउन आएगा ना, यानी कि प्रोनाउन का यूज जो है नाउन के बदले में किया गया है ना, यानी कि ए जो है ना, ये ए हमारा स्टार्टर नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं, ये सेंटेंस कहता क्या है। ठीक है, कह रहा है ही एक्सप्लेन टू द किंग, उन्होंने राजा को क्या क्या एक्सप्लेन किया बताया। ठीक है, कह रहा दैट द गन्नी बैग फुल ऑफ ग्रेन्स, जो गन्नी बैग था ना वो भरा हुआ था। किस चीज से भरा हुआ था? तो ग्रेन्स से भरा हुआ था, अनाज से भरा हुआ था। ठीक है, कह रहा वाज द रियल गोल्ड, जो वास्तव में क्या था? तो सोना था। ठीक है, दैट द अर्थ कुड गिव, जिसे उसने जमीन ने, धरती माँ ने क्या किया? तो दिया है। ठीक है, कह रहा है व्हिच ही हैड ग्राउन विद लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, जिसे उन्होंने क्या किया है? उपजाया है कड़ी मेहनत कर करके। यानी कि ये सेंटेंस हमारा स्टार्टर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस सेंटेंस में जो है ना ही का यूज हुआ है, राइट। चलिए मैं बी की बात कर रहा हूँ, तो बी में पढ़ रहा हूँ। बी में कह रहा है किंग आदित्य, जो किंग आदित्य क्या है? ये तो नाउन है ना, यानी कि ये सेंटेंस हमारा स्टार्टर हो सकता है, होगा नहीं, क्योंकि अभी 4 सेंटेंस तो बचा हुआ है ना। डायरेक्ट मैं कैसे कह दूंगा कि ये सेंटेंस जो है ना हमारा स्टार्टर होगा, यानी कि ये सेंटेंस हमारा स्टार्टर में भी हो सकता है ना। यानी कि इसमें कह रहा है किंग आदित्य वाज ग्रोइंग ओल्ड, यानी कि किंग आदित्य जो है ना वो बूढ़े हो रहे थे। ठीक है, कह रहा है एंड डिसाइडेड टू हैंड ओवर, और क्या किया? तो निर्णय किया कि हैंड ओवर कर दे, यानी कि सौंप दे। कि क्या सौंप दे? तो हिज किंगडम, अपना जो साम्राज्य था ना उसको क्या कर दे? तो सौंप दे। किसको सौंपेगा? कह रहा है द मोस्ट डिजर्विंग ऑफ हिज 5 सन्स, यानी कि 5 बेटों में से जो ज्यादा सुरक्षित रहेगा, जो ज्यादा उसकी साम्राज्य को सेफ रख सकेगा, उसको वो क्या करेगा? तो हैंड ओवर कर देगा, उसको वो सौंप देगा। यही ना कह रहा है, यानी कि ये सेंटेंस हमारा स्टार्टर हो सकता है। और इस राजा के 5 बेटे हैं, है ना, इस राजा के कितने बेटे हैं? तो 5 सन्स है ना। चलिए ये सेंटेंस हमारा स्टार्टर हो सकता है हैरी, क्योंकि अभी जो है ना 4 सेंटेंस हमारे पास बचा हुआ है। सी में कह रहा है ही, फिर सी में आ गया ही, यानी कि सी हमारा ही आ गया ना, ही का क्या है? स्टार्टर होगा क्या? नहीं सर, नहीं होगा ना, क्योंकि ये प्रोनाउन है ना, और ही के साथ साथ दैन भी आ गया है, और नहीं होगा। दैन का मतलब क्या होता है? तब, यानी कि कुछ करेंगे हम तब ना बोलेंगे तब, है ना। ये भी सेंटेंस हमारा नहीं होगा स्टार्ट। कह रहा ही देन, उसके बाद टोल्ड डैम, अब डैम किसके लिए यूज हुआ है? तो यहाँ पे जो देम का यूज हुआ है ना, ये देम का यूज हुआ है इनके बेटों के लिए, जो 5 है, जो पुलरल है, यानी कि पुलरल, ये 5 सन्स का मतलब पुलरल है ना, इनके लिए अगर प्रोनाउन की यूज करिएगा तो देम ही आएगा ना। कह रहा है देन ही देन टोल्ड देम टू यूज दिस लैंड, तो दिस लैंड का मतलब क्या होता है? दिस लैंड का मतलब ये होता है पहले कहीं ना कहीं लैंड आया होगा, और उस लैंड को आगे की सेंटेंस में रख करके, दिस लगा करके, डैट लगा करके, दीज लगा करके, दोज लगा करके सेंटेंस को आगे बढ़ाया जा रहा है। यानी कि दिस लैंड का मतलब हुआ कहीं ना कहीं लैंड आया होगा, है ना। चलिए दिस लैंड, यानी कि यहाँ पे कह रहा है ही देम टोल्ड देम टू यूज दिस लैंड, इस लैंड को, इस जमीन को यूज करे एंड रिटर्न विद गोल्ड, और जब लौटना है तो सोना के साथ लौटिएगा, है ना। ये नहीं कह रहा है कब, एक टाइम दिया गया है आफ्टर 6 मंथ, यानी कि 6 महीने का टाइम दिया गया, 6 महीने किसी लैंड, किसी जमीन के लिए दे दिया गया, उसको आप जो करना करिए, लेकिन 6 मंथ के बाद जब आइएगा तो सोना के साथ लेके आइएगा। अब सोना का मतलब जमीन से सोना क्या निकलेगा? अनाज ही ना। चलिए, यानी कि ये सेंटेंस भी हमारा स्टार्टर बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे डी में कह रहा है किंग आदित्य, हमें बी में भी मिला था किंग आदित्य और डी में भी मिला किंग आदित्य, यानी कि किंग आदित्य नाउन है ना, यानी कि ये सेंटेंस भी हमारा स्टार्टर हो सकता है
है नहीं। कह रहे किंग आदित्य वाज इम्प्रेस्ड, तो इम्प्रेस्ड कब होगा मुझे आप डायरेक्टली इम्प्रेस्ड हो जाइएगा कि सामने वाला कुछ बोलेगा तब इम्प्रेस्ड होइएगा, तो सामने वाला कुछ बोलेगा ना, यानी कि यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा स्टार्टर नहीं दिख रहा है, ये सेंटेंस हमारा कंक्लूजन दिख रहा है, क्योंकि इम्प्रेस्ड हो गया यहाँ पे जो राजा है ना किंग आदित्य वो इम्प्रेस्ड हो गया एंड हैंडेड ओवर और सौंप दिया, क्या सौंप दिया, हिज किंगडम अपनी साम्राज्य को टू रविदित्य, टू रविदित्य। अब आपको पता चल गया होगा कि हमारा जो स्टार्टर है ना वो हमारा बी होगा, हमारा जो स्टार्टर है वो कौन होगा, वो बी होगा। बी क्यों होगा, क्योंकि बी में जो है किंग आदित्य आया है और उनकी जो है ना पांच सन्स है, और उनके कितने बेटे हैं, तो पांच सन्स है। ओके, अब जो है ई में कह रहे हैं डी, तो क्योंकि बी में और डी में ही किंग आदित्य था तो बैलेंस तो हमें यही करनी थी ना, हमारा सेंटेंस का स्टार्टर कौन सा होगा। अब ई की बात कर रहे हैं, ई में कह रहा है इन ऑर्डर टू टेस्ट देम, अब यहाँ पे देखिएगा इन ऑर्डर टू टेस्ट देम, यानी कि उनको जांच करने के क्रम में है ना, उनको जांच करने के क्रम में उसके बाद कह रहा है ही टुक देम टू अ फील्ड, ही टुक देम टू अ फील्ड, उन्होंने क्या किया था, एक मैदान दिया है ना, एक मैदान दिया, एक फील्ड दिया, किस लिए, एंड गेव अ पीस ऑफ लैंड, और जमीन का एक टुकड़ा दिया, किनको दिया, तो पांचों बेटा को, क्योंकि राजा को पांच बेटा था ना, प्रत्येक को क्या किया, तो अ पीस ऑफ लैंड जो है दिया, और कह रहा है टू ईच वन ऑफ देम, प्रत्येक को दिया है ना, यानी कि ये सेंटेंस तो और नहीं, स्टार्टर तो बिल्कुल नहीं होगा ना, स्टार्टर तो हम देख लिया, या तो हमारा बी होता या तो हमारा डी होता, पर डी तो कंक्लूजन बता रहा है, डी में राजा खुश हो गया है ना, अब खुश होगा तो शाबाशी देगा ना। चलिए अब एफ में कह रहा है आफ्टर सिक्स मंथ, यहाँ पे एक जगह हमें मिला था सिक्स मंथ, कहाँ मिला था, यहाँ पे सिक्स मंथ मिला था, मैं उस वीडियो में पूरा का पूरा बता चुका हूँ, अगर कोई वर्ड रिपीट करता है ना तो उसके पास जाते हैं, अगर एक सेंटेंस की बात, एक सेंटेंस का कोई भी वर्ड दूसरे सेंटेंस में रिपीट कर रहा है तो मे बी चांसेस है कि वो सेंटेंस हमारा उसके बाद का सेंटेंस होने का है ना। तो यहाँ पे लिखा मिला हुआ है आफ्टर सिक्स मंथ एंड लास्ट के सेंटेंस में आफ्टर सिक्स मंथ, तो पहले हमारे सेंटेंस में कि सेंटेंस के लास्ट में आएगा आफ्टर सिक्स मंथ, अगर मैं बात करूँ ट्रिक की, उसके बाद जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उसके स्टार्टिंग में आएगा आफ्टर सिक्स मंथ। यहाँ पे चलिए पूरा पढ़ लेते हैं, कह रहा आफ्टर सिक्स मंथ ऑल रिटर्न, अब कहीं कोई जाएगा तो आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, तो यानी कि वो पांचों के पांचों भाई जो है गए और वहाँ से लौटे, कहाँ गए थे, तो जब वो खेती करने गए थे ना, उनके पापा जो है कुछ जमीन दिए थे, जाओ उपजाना, छः मंथ के बाद लौटना, लेकिन सोना लेकर के आना है ना, कह रहा है ऑल रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, सभी के सभी जो है खाली हाथ आया, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, किसको छोड़कर, तो रविदित्य को छोड़कर, रविदित्य को छोड़कर सब के सब जो चारों थे ना वो खाली हाथ आए है ना। कह रहा हु कैरिड अ गन्नी बैग, हु का मतलब क्या हो गया, हु का मतलब ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, और ये हु किसको प्रीफर कर रहा है, तो रविदित्य को ना, तो रविदित्य जो है ना कैरिड अ गन्नी बैग, एक गन्नी बैग लेकर के आया है ना, ऑन हिज शोल्डर, कहाँ पे, तो अपने कंधों पर लेकर के आया है ना। अब मुझे ये पूरा सेंटेंस पढ़ लिए और आपको पता चला हमारा सेंटेंस का स्टार्टर जो है ना वो कौन है, वो बी है, बी में क्या मिला है, तो किंग आदित्य, और किंग आदित्य को कितना बेटा है, तो पांच बेटा है, यही ना है। चलिए बी के बाद का हमारा सेंटेंस कौन सा होगा, अब मुझे ये बताइए, बी में कह रहा है किंग आदित्य वॉज ग्रोइंग ओल्ड एंड डिसाइडेड टू हैंड ओवर हिज किंगडम टू द मोस्ट डिजर्विंग ऑफ हिज फाइव सन्स, फाइव सन्स का मतलब पांच बेटा का मतलब, इसके लिए अगर प्रोनाउन कभी आएगा या कहीं भी दिया होगा तो वो प्लुरल होगा ना। चलिए अब पढ़िएगा कहाँ होगा, ही में, ए में पढ़िएगा तो ए क्या है, नहीं है, बी तो हमारा स्टार्टर हो ही गया, सी में कह रहा है, सी में कह रहा है ही देन टोल्ड देम टू यूज दिस लैंड, दिस लैंड का मतलब पहले बता चुके हैं, पहले लैंड आएगा उसके बाद आएगा दिस लैंड, बात समझ में आ रही है ना, पहले लैंड आएगा उसके बाद आप ये जो है दिस डैट हो गया, दिस डैट हो गया, उसके पहले उस नाउन के पहले लगा करके उसकी बात को आगे बढ़ाइएगा, तो ये सेंटेंस हमारा बी के बाद का बिल्कुल नहीं होगा। डी में, डी के बारे में तो मैंने आपको पहले बता चुका कि डी जो है कंक्लूजन हो गया, राजा खुश हो गया और अपनी साम्राज्य उसको दे दिया, डी में यही बोल रहा है ना, तो डी तो कंक्लूजन हो गया। ई में कह रहा है इन ऑर्डर टू टेस्ट देम, किसको टेस्ट करेगा, अपने पाँचों बेटों को ना,
यानी कि यहाँ पर जो देम आया है, ये देम किसके लिए आया है? इन पांचों बेटा के लिए आया ना। अब किसको टेस्ट करेगा, किसको जांचेगा, किसको परखेगा? इन्हीं को ना। यानी कि बी के बाद जो है ना, बी के बाद हमारा सेंटेंस जो होगा वो ई होगा। ई क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो ये जो फाइव सन था, फाइव सन के लिए यहाँ पे हमें एक प्रोनाउन मिला है देम। अब यहाँ पे पांचों बेटा को वो चेक कर रहे हैं कौन हमारा जो है सबसे बढ़िया लाइक बेटा है, कौन ना लाइक बेटा है, यही ना कह सकते हैं ना। यानी कि कह रहा है किंग आदित्यवाज कहाँ गया? इन ऑर्डर टू टेस्ट देम टू टुक देम ऑफ फील्ड एंड गेव अ। अब यहाँ पर देखिएगा, गेव अ पीस ऑफ लैंड, एक जमीन का टुकड़ा दिया, यहाँ पर लिखा है ना, एंड गेव अ पीस ऑफ लैंड, एक जमीन का। अच्छे से बैठ जाइए, वीडियो बन रहा है, बैठ जाइए उधर। यहाँ पे क्या है, अ पीस ऑफ लैंड, ठीक है ना, और टू ईच वन ऑफ देम, वन ऑफ देम का मतलब पांच था बेटा, पांचों में से प्रत्येक को दिया। अब मुझे ये बताइए यहाँ पे हमें क्या मिला, देम मिला ना। चलिए दो सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो गया, दो सेंटेंस हमारा हमने सेट कर लिया, दूसरा के बाद तीसरा कौन होगा? अब राजा जो है सभी को जमीन देने के बाद जो है ना बोला, तुम लोगों के पास 6 महीने का टाइम है, तो 6 महीना कंप्लीट भी तो होगा, और जब कंप्लीट होगा तो वो रिटर्न भी तो होगा। मुझे बताइए होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, रिटर्न होगा आफ्टर 6। नहीं, अब जो है हमारा बी हो गया, बी के बाद सी हो गया, सी ई हो गया ना, ई के बाद हमारा कौन सा सेंटेंस होगा? देखिए तो सी सेट कर रहा है क्या? कह रहा है ही देन टोल्ड देम। अब जमीन दीजिएगा तो जमीन दे दीजिएगा कि कुछ बोलना भी है? बोलना भी, बोलिएगा ना कि जमीन दे दीजिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है ही देन टोल्ड देम, फिर उन्होंने कहा, क्या कहा? यूज दिस लैंड, पहले आया था अ पीस ऑफ लैंड, अब आया दिस लैंड, एंड रिटर्न विद गोल्ड आफ्टर 6 मंथ। आफ्टर, अब यहाँ पे एक टाइम दिया गया, 6 मंथ का टाइम है, 6 मंथ के में आपको लौटना है, लेकिन सोने की बैग लेकर के आना है, जो अनाज की बोरिया है वो लेकर के आना है। यानी कि बी हो गया, बी के बाद सी हो, ई हो गया, और ई के बाद कौन सा सेंटेंस होगा? सी। सी लग रहा है ना। अब टाइम जब कंप्लीट होगा तो लौटिएगा भी ना, तो लौटने का काम देखिए तो कुछ कर रहा है, आफ्टर 6 मंथ। यहाँ पे आफ्टर 6 मंथ ऑल रिटर्न, सब के सब लौट गए, कह रहा ना यहाँ पे आफ्टर 6 मंथ ऑल रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, सब के सब खाली हाथ आए, एक्सेप्ट, कह रहा ना एक्सेप्ट रविदित्य, एक्सेप्ट का मतलब रविदित्य को छोड़ करके सब के सब खाली हाथ आए। यानी कि सी के बाद का सेंटेंस हमारा कौन सा होगा? एफ हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि एफ में जो है कोई कहीं जाएगा तो रिटर्न भी तो होगा ना, क्योंकि यहाँ पे एफ में रिटर्न हो रही है। कह रहा है हु कैरीड अ गनी बैग ऑन हिज शोल्डर, जिसके कंधे पे अनाज की बोरिया भरा हुआ था, है ना, एक अनाज की बोरी भरी हुई थी। चलिए अब हमारे पास दो सेंटेंस बच गया, वो कौन कौन से सेंटेंस बच गए हैं? और ए बच गया है और डी बच गया है, नहीं ए और डी बच गया। डी के बारे में तो मैंने पहले आपको बता दिया कि ये जो है कंक्लूजन है, फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो क्या करेंगे, अब जो रेस्ट सेंटेंस हमारे पास बचते हैं ना उनको बैलेंस कर लेंगे। यानी कि एफ के बाद का कौन सा सेंटेंस होगा, यानी तो लास्ट सेंटेंस हमारा कौन सा होगा। चलिए ए को पढ़ते हैं, ए में कह रहा है ही एक्सप्लेन टू द किंग, ही एक्सप्लेन टू द किंग दैट द गनी बैग। अब मुझे एक बात बताइए, अगर हमारे सेंटेंस में कोई नाउन आएगा तो वो सबसे पहले ए के साथ आएगा, एन के साथ आएगा, लेकिन डायरेक्ट जो है ना द के साथ नहीं आएगा, आएगा क्या? नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें लिखा हुआ है अ गन्नी बैग, अ गन्नी बैग का मतलब ये जो इसके पहले भी कहीं गन्नी बैग मिला है क्या? जी सर। कहाँ मिला है? तो फर्स्ट सेंटेंस की बात मत कीजिएगा, फर्स्ट सेंटेंस के बाद कहीं पे गन्नी बैग मिला हुआ है क्या? नहीं ना मिला हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये सेंटेंस आया गन्नी बैग, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? का मतलब क्या होता है? इनडेफिनिट ना। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पे यूज हुआ है द गन्नी बैग, अब द गन्नी बैग का मतलब क्या हो गया? ये एफ में देखिए ये वर्ड है हमारा, है ना, इस वर्ड की रिपीटेशन देखिए तो ए में है क्या? जी। आप यहाँ से यहाँ ऐसे भी जा सकते हैं, यानी तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करके भी आप यहाँ से यहाँ जा सकते हैं,
जा सकते हैं कि नहीं, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कैरी द गन्नी बैग। अब यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा ना, आप जो बोरा गन्नी बैग लेकर के आइएगा तो बताइएगा ना आपने कैसे ये जमीन से निकाला या फिर आपने कहाँ से ये लाया, बताइएगा ना। तो यहाँ पे जो ही आया है, ये ही किसके लिए आया है, ये रवि दित्या के लिए आया है। ये किसके लिए आया है, रवि दित्या के लिए आया है। और कह रहा है ही एक्सप्लेन टू द किंग, यानी कि रवि दित्या जो है एक्सप्लेन करता है किसको, तो किंग को, दैट द गन्नी बैग फुल ऑफ ग्रेन्स। ये जो बैग है गन्नी बैग, वो क्या है, तो भरा हुआ है अनाजों से। और कह रहा वाज द रियल गोल्ड, जो वास्तव में क्या है, तो सोना है ना, दैट द अर्थ कुड गिव, जिसे उसने जमीन से मिला है, जमीन ने दिया है। कह रहा विच ही हैड ग्राउन विद लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, यानी कि एफ के बाद हमारा सेंटेंस कौन सा होगा, ए होगा। और कंक्लूजन तो पहले बता दिए थे, कंक्लूजन हमारा कौन सा होगा, तो डी होगा। डी में डायरेक्ट कह रहा है ना, डी में डायरेक्ट कह, किंग आदित्य वाज इंप्रेस्ड, इंप्रेस्ड हो गया और सौंप दिया अपनी पूरी जायदाद, पूरी संपत्ति। ठीक है, ठीक है जी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर इसे शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।